जब पानी पिलाने किसका औकात नहीं है स्कूल वाले को, ये खाना क्या खिलाएगा? वो जो जाता है सगरे घूमने के लिए उसको कोरोना नहीं धरता है, ये बहाना करके हमको पानी पीने के लिए नहीं देता है। ऐसे बिना खाकर भी रह जाता हूँ, घर जाने का कोई साधन नहीं है, सरकार हमारी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। पैसे रहता तो गाड़ी करके खुद चले जाता, सरकार के भरोसे भी नहीं रहता। मैं नौजवान भारत सभा से विजय, आज हम लोग यहाँ सोतानाला में एक स्कूल है RPS इंटरनेशनल स्कूल, उसके सामने ये कुछ मजदूर हैं, बाहर के मजदूर हैं, यहाँ निर्माण मजदूर हैं, पेमेंट इनका लगभग 3 महीने का बकाया है और यहाँ तक हो रहा है अब इनके साथ कि अंदर पानी तक भी नहीं पीने दे रहे इनको। सर हम लोग यहाँ चुनाई प्लस्तर का काम करते हैं, उसके बाद हम लोगों का संख्या 40 है, इस जगह हम लोग 3-4 महीने से काम किए, उसके बाद सिर्फ हम लोगों को सिर्फ खर्चा ठेकेदार देता था, उसके बाद पेमेंट का बात आता था तो पेमेंट हम लोगों का नहीं हुआ था, उसके बाद जैसे पेमेंट का बात आया तो लॉकडाउन आ गया तो सब जो ठेकेदार है मेरा सुभाष, वो आज कल करके टाइम को बहलाते रहता है। ये सब बात सुन के मैंने एक कंप्लेन लिखे SDM साहब के पास, 2-4-10 दिन के बाद देखता हूँ तो वो कागज़ मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो फिर हम एक आवेदन थाना पदाधिकारी को लिखे, वो भी क्या किया, मेरा जो दरख्वास्त था उसमें नहीं, वो FIR किया और कुछ नहीं, मेरा जो पेपर था उसको साइड में कर दिया। जब हम उनको दिए वो कहता है SI होकर कि हमें पता नहीं है, तो फिर अब मैं किसके पास कंप्लेन करूं? आप लोगों का कितने महीने का कितना पेमेंट बकाया है ये बताएंगे? सर हम लोगों का कम से कम 4 लाख रुपए अभी भी बाकी है। तो 4 लाख में से आपको कुछ भी नहीं दिया गया? नहीं, 4 लाख में से मतलब कि पेमेंट तो बहुत बन रहा था, मतलब कुछ करके दिया, सब काट उठ के 4 लाख रुपए इतना बच रहा है। आपको लास्ट समय कितना पैसा दिया गया था? लास्ट में 20 हज़ार दिया था पिछले 22 तारीख को। क्या राशन वगैरह स्कूल वाले देते हैं? सर स्कूल वाले तो राशन वगैरह कुछ नहीं देता है, ये पानी जब पिलाता नहीं है तो ये राशन क्या खिलाएगा? जब पानी पिलाने किसका औकात नहीं है स्कूल वाले को, ये खाना क्या खिलाएगा? पानी पीने के लिए कहते हैं तो पानी पीने के लिए दूध कहता है पानी नहीं दूंगा, कोरोना आ जाएगा अंदर। वो होशियार जी है, वो बराबर भैरोड इधर उधर जाता है गाड़ी से, उसको कोरोना नहीं धर लेता है शरीर में। हम लोग जब यहाँ हवा खुले मैदान में रहता हूँ, हम लोग को कोरोना नहीं धरता है, कोरोना धरता है। वो जो जाता है सगरे घूमने के लिए उसको कोरोना नहीं धरता है, ये बहाना करके हमको पानी पीने के लिए नहीं देता है, तो ये खाना कहाँ से खिलाएगा? आपको अभी कहीं से भी राशन की शुरू से कोई मदद पहुँची कोई सरकार की तरफ से? राशन अर की तो मदद तो कुछ पहुंचा था सरकार के तरफ से, वो भी आटा पहुंचा था, उसके बाद कभी काल होता था तो थोड़ा बहुत दाल मिलता था, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद अब भी ज़रूरत है हम लोगों का राशन पाने का, जाता हूं तो बोलता है कि हमको आगे से राशन नहीं मिला है इसलिए हम तुम लोगों को राशन नहीं दूंगा। गरीब लोग करे क्या, मजबूर होकर रहना पड़ता है किसी तरह, एक दिन खाता हूँ एक दिन ऐसे बिना खाकर भी रह जाता हूँ, घर जाने का कोई साधन नहीं है, सरकार हमारी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। अभी आप लोगों के पास पैसे हैं? हम लोगों के पास तो पैसे नहीं है, पैसे रहता तो गाड़ी करके खुद चले जाता, सरकार के भरोसे भी नहीं रहता। तो अभी आप राशन कहाँ से मतलब मिल रहा है या किस तरह से काम चला रहे हैं? राशन सर मेरा जो ठेकेदार है वो घर से ब्याज करके चाहे जो भी करके उसने घर से 20,000-25,000 ऐसे करके रुपए मंगाया था, उसी से थोड़ा बहुत थोड़ा कर करके हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। और ये जो मेरा रोशन लाला जी है वो उधारी देता है और उसी के पैसे और उधारी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। सर हम पैसे मांग रहे थे ठेकेदार से खाने के लिए, बोला पैसे हमारे पास नहीं है, हम बोले जहाँ तुम लाओ उसके ठेका मैं ले जाओ, तुम हमको बुलाया है पैसे जैसे मंगाओ घर से मंगाओ जैसे मंगाओ, बोला मैं घर से मंगाता हूँ कि ठीक है घर से मंगाओ, घर से मंगा के हमको थोड़ा बहुत 500-200 रुपये दे रहा है और रोशन लाला से उधार दिलवा रहा है, हमको खिला रहा है, किसी तरह टाइम पास करवा रहा है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, खैर डिस्ट्रिक्ट का, बिट्टू कुमार है मेरा नाम, RPF स्कूल में काम कराया और ये है क्या नाम है उसका, नहीं ये इसके अंदर एक होशियार सिंह है नाम, ठीक है ना, नाम का भी होशियार है और काम का भी होशियार है, यहाँ तक आज तक 2-3 महीने पानी पिलाया और आज ऐसा मुसीबत में 2 दिन से पानी नहीं दे रहा पीने के लिए, बताइए हम लोग खाना दे नहीं रहा है, प्यासे खुद मर जाएंगे इसे, और गंदा नाला ये पानी है लगा रखा है टंकी में, देखिए गंदा पानी है देखना देख लीजिए, और ये बोलता पीना है पियो नहीं तो मस भागो। हम गए थे थाना पर, जब गए तो वहाँ बोले कि सर हम इतना लोग हैं, ये लोग राशन पानी सर दे भी नहीं रहा है, तो सर हमारा सर पैसा कोरी है नहीं दे रहा ना पानी दे रहा पीने के लिए अंदर से। तब वहाँ से एक प्रशासन आया था, यहाँ स्कूल में बात किया, बोला ठीक है पानी दे देगा और उसके बाद तुम्हें 1 लाख रुपये भी 6 तारीख को आपको पैसा दे देगा, ये
कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है सर। उसके बाद प्रशासन यहाँ चल गया, एक आया था, उसके बाद ना तो पैसा दिया, फिर दो दिन तीन दिन पानी दिया, फिर पानी बंद कर दिया। अब फिर मैंने थाना में लिख कर दिया हूँ, कता कार्रवाई कर रहा हूँ, करूँगा, फ़ोन करूँगा, फ़ोन करूँगा, अब तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। फ़ोन यहाँ से कर स्कूल से फ़ोन करके थाना में कागज़ को दाब देता, अगर वो दाबता नहीं है प्रशासन हमारा बात क्यों नहीं सुनता है। होशियार सिंह बोला क्या, सारे पुलिस वाला तो मेरा ही इलाके में हाथी में अंदर है, और अपना ये मेरा आदमी है, उसका सब बच्चा है, मेरे स्कूल में ही पढ़ता है, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, जिसमें जितना जोर लगाना है ला सकते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, देख लेना, ये मेरा फुल गारंटी है। ना तो इनको राशन मिला है सरकार की तरफ से, शुरू में कुछ थोड़ा बहुत राशन मिला था, लेकिन उसके बाद में वो भी उन्होंने मना कर दिया है कि अब नहीं मिलता, आगे से नहीं आ रहा है। दूसरा, इनका 4 लाख का ये पेमेंट बकाया बता रहे हैं, और लॉकडाउन से भी काफ़ी पहले से यहाँ काम कर रहे हैं, और जैसा इन्होंने पूरा बताया कि पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ से भी इनका कोई FIR दर्ज नहीं हुई, और पूरा इन्होंने बताया कि कैसे वो कह रहा है स्कूल वाला मालिक जो है यहाँ जो संभाल रहा है, कि पुलिस वाला भी हमारा है, जो करना हो कर लो। अब ये बाहर के मजदूर हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि इनके पास पैसा भी नहीं है, तो ये घर भी नहीं जा सकते हैं।